पापा कॉल करते हैं और मम्मी बोले कि डायरेक्ट पापा को आई लव यू, और कॉल जो हेलो है कि स्पीकर पे रहेगा। गिर दूध हो कि ना तो धो के लो तो वस दे बद दे। मैं पहन के देखता हूँ इसका सूट। हाँ तेरी ने किया। अरे फाड़ ले फाड़ ले। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए से व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा इस लौंडे की जिंदगी में पूरे दिन क्या चलता है। आज के इस व्लॉग में रोज की तरह अपना वहाँ पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अभी बस 4 मिनट में अपलोड हो ही जाएगा। यहाँ मेरा ट्राइपोड, अब इसको समेट के जा रहा हूँ घर में रखने। वीडियो अपलोड करने के लिए इसको स्टैंड पे मोबाइल को खड़ा करता हूँ, फिर वीडियो अपलोड करता हूँ। हाथ पे कौन एक जगह रुका रहेगा। हमारी मम्मी इतना मेहनत कर रही है, ये खौफ नाम का चीज ही नहीं है इसके पास। सब्जी बनी आवा ले ला, एक खेता में से एक किलो उजर की माटी ले ला, पीछा से 1 किलो घास ले ला। मस्त प्लान है। का हो? हाँ? इतना ज्यादा का है सर? मात्र बैल बड़का गुलरी का फूल हाँ करना है ब्रश। इतना रगड़ा हूँ कि ऐसा हो गया है। यहाँ पे शशिकला बैठ के बर्तन धो रही है। वाह, पतंजलि का कोलगेट हमारे घर आता रहता है और ये ब्रश कोलगेट। अभी टाइम हो रहा है 6:51। मैं जा रहा हूँ अपने थंबनेल को एडिट करने। मेरा हर रोज का यही टाइम होता है, वीडियो एडिट करता हूँ या फिर थंबनेल बनाता हूँ। जो कुछ भी करना होता है ना सुबह के ही टाइम करता हूँ, तो अपना काम करता हूँ और फिर आगे का देखा जाएगा। तो हमारे घर अभी कलेश हुआ था थोड़ी देर पहले, तो रोने वाले ये सदस्य है और लड़ाई करने वाली वो सदस्य पीछे छुपी हुई है, वो देखो झाड़ी के पीछे। और मजे लेने वाले ये जनता पड़े हुए हैं और मजे लेने कुछ यहाँ पे बैठे हुए लोग। मेरी मम्मी भी वैसे ही है, झगड़े को बहुत मन से सुनती है। इस कलेश को देखते हुए मैंने वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा बाहर निकला। हमारी माता जी भी ट्रेलर बन रखी हैं। मैं आ रखा हूँ, ये जो चारा काटने वाली मशीन है ना, इसके जो ब्लेड है इसके धार को तेज करने आया हूँ, ऐसे करके ऐसे। वीडियो एडिट करते करते टाइम हो चुका है 11:55। मैं तभी से मिनी ब्लॉग एडिट करने में इतना ज्यादा परेशान था कि क्या बताऊं। बस अभी करते हैं सीधा भोजन और फिर अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन भोजन करते हुए नहीं दिखाता हूँ पहले, क्योंकि फोन चार्ज नहीं है। लाइट अभी 1 घंटे के अंदर कट जाएगी, तो भोजन भी कर लेते हैं, फोन को उसी टाइम चार्ज लगा देते हैं। तो भैया मैं फिलहाल नहा धो रखा हूँ, जैसे कि मैंने बताया भोजन करना है मुझे, और भोजन करके मैं नहा लिया था अभी जस्ट, फिर से एडिटिंग करते हैं अपने ब्लॉग को। भाई क्या करूं, ये ब्लॉगर वाली जिंदगी ना बहुत ज्यादा कष्ट भरी है। सब हर एक जिंदगी में कष्ट है, मेरी जिंदगी में कष्ट नहीं है। कहने को तो शाम हो रखी है, ये 3:14 हो रखा है। अब के टाइम में निकल रहा हूँ घर से बाहर। जब भी घर पे रहता हूँ तो ऐसे ही सारा दिन घर में ही रहता हूँ, चाहे सोया रहूँ या फिर वीडियो एडिटिंग या फिर फालतू की बातें करता रहूँ। ये क्या है? किसका, किसने सिला? तुमने सिला? वाह, मैं पहन के देखता हूँ इसका सूट। देख लो भाई। तो मैं अपने बहन का ये पहन के दिखाता हूँ। नहीं चट सब फट जाए, कर देना फट जाए तनिक ऊंचा बिल्कुल। भैया इसके कहने पे पहन रहा हूँ, देख लो। खींचू नीचे से? हाँ तेरी देखिया। अरे फाट ले फाट ले। ये भी ऐसे क्या करता हूँ सर? ना ना ओढ़ दे। तो भैया ओढ़ दे रे, ये हमसे मोटा बाप बोले। मैं इससे मोटा हूँ, ये मेरे को नहीं होगा। निकालो तो फाट जी, छोड़ दे रहा। मम्मी जेना ले ली, मम्मी दी बस ये वाला से बैठ के। मेरे बस की बात नहीं है, और इसका ये जो सूट है ना वो फट ही जाएगा। गिर दूध हो कि ना तो धो के लो दे बद दे। यार तुम यार मुझको ऐसे कैसे यार बोल सकती हो? बताओ यार, मैं तुम्हारा बड़ा लड़का हूँ और तुम मेरे को ऐसे ही बोल रही हो? बताओ मम्मी। नहीं तो ऐसे ही मजाक कर जला के। तो यार किससे मजाक करते हैं? मारा तो मम्मी मेरे को ऐसे क्यों बोल देती हो? हम तुम बोलने क्यों देखा लो? क्यों देखा लो? खाओ माँ कसम। तुम रिकॉर्ड भैल हुए चालू रहता है यहाँ।
मेरी माँ मेरे को बहुत भयंकर भयंकर मेरे लिए वर्ड यूज करती है, जिससे कि मैं घायल हो सकता हूँ बिना मार के। तेरे से बड़ी तुरह का याद करा था नहीं। अच्छा वो काहे खाती सपना में बहुत से एकदम तोरा से अलग हो गई रहनी, चल गई रहनी पूरा बना रहा। हाँ, हाँ। एकदम मिलते ना रहनी सुन ना या, इतना याद आ रहा तोरा, इतना याद तोरा को बहुत मिस करता नहीं रुवत रहनी तोरा से बहुत प्यार करता नहीं है, लेकिन क्या करी बहुत मिस करता नहीं है। वो पता आई लव यू ना बोल पाते डर नहीं कि मर भी हमके तन आई लव यू तो बोल देबी खाली ना आई लव यू बोल पहले पहले बोल आई लव यू बोल देख हम जिसे बोलो वैसे बोले बा तोरा के ठीक बा बहुत मिस करता नहीं है बता तोरा के ठीक है जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे बोलना बोलो आई बोलो आई जैसे पंडित जी बोला था आई लव यू अरे प्रभु आई आई लव लव यू 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 ना होला यू यू आई आई लव लव लू लू मैं भूल के इसका बोल नहीं इना वाला आई लव यू आई लव यू एक बार फिर से मेरे साथ बोलो आई आई लव लव यू यू तो एक बार तुमको बोलना है पापा को आई लव यू मैं पापा को बोला ठीक है अब फोन उठाते बोलना ना हेलो आई लव यू ना ना देखते रिएक्शन क्या होता है। एक बार मम्मी मतलब पापा कॉल करते हैं और मम्मी बोलेगी डायरेक्ट पापा को आई लव यू और कॉल जो है कि स्पीकर पे रहेगा, हम लोग देखेंगे पापा का रिएक्शन। तो पापा कॉल लगा दिया और पापा को बोलिए आई लव यू। हेलो आई लव यू आई लव यू फिर से बोला आई लव यू हमने बोला बहुत है कि काम आ रहा हम तो जाते हैं सब पूरा बीबी पूरा है। हां धीरे धीरे यार ये मत कहिए काम करे बाय बाय एक काम बता वन चला मैं कुछ किया आई लवली बताओ मेरी मम्मी पापा को बोल रही आई लव यू देखा था कितना तेज देखा तिया जलन से कि देखा नहीं रे बारू हो नहीं ये सही है गलत चीजों को जब भी बोल रहा हूँ तुरंत देख रही है और इसके पीछे पीछे इस कुतिया का भी वही हाल है उसी के पीछे पीछे लगी रहती है। वाओ तो मैंने इसको स्टॉप कर दिया है एक ही जगह पे वाओ इसने भी गिरा दिया क्या ओए खुशी आई है शाम को फूल तोड़ने वाह अब बताइए कि किस देवता को शाम को पूजा होता है नहीं खुशी ये बताओ किस देवता को शाम को पूजा होता है करवा चौथ वाह। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ अपने घर के पीछे मतलब जैसे कि मैंने बताया था मैं सारा दिन क्या करता हूँ तो फिलहाल जा रहा हूँ अपने घर के पीछे का थोड़ा सा नाला साफ करने बहुत घास लग गया है दे फड़वाओ तो हिल तो हुई तो भाई लोग काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद हमारा जो नाला का जो मिशन था ये सक्सेसफुल हो चुका है बाबू ए छारे रो वाला जला ले ए छला लो वाला जला ए मम्मी मेरी बहन नया सूट पहनने के बाद कुछ ऐसी दिखाई दे रही है झिंगुर लाला जैसे। 4:57 मैं अभी मिनी ब्लॉग अपलोड करूंगा इस झोपड़ी के बस पास ही में। क्या है ना कि डेली वीडियो यहीं पे अपलोड करता हूँ अच्छा नेटवर्क चलता है तो यहाँ पे कर लेता हूँ। यू देखो भाई आ चुकी है हमारी भतीजी आफत रुई ब्लॉग बनाई ना इसके पापा देख लेंगे ना वीडियो बनाते तो बहुत गुस्सा होते वो नहीं चाहते कि मेरी फैमिली का ब्लॉग बने तुहार पापा गुस्सा होना ना तुहार पापा गुस्सा हो ना। हाँ ए आफत रुई देखो कैसे इग्नोर कर रही है कहाँ आई लू
चार।